ओके सो इस वीडियो का टाइटल एकदम सही है, हाउ टू ग्रो ऑन YouTube। एंड इस वीडियो का थंबनेल भी एकदम सही है, डोंट ग्रो। आई नो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर ये बात 110% सच है। अगर तुम्हें YouTube पर ग्रो करना है तो ग्रो मत करो, सीरियसली। एंड ये बात तुम्हें इस ग्राफ से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि कैसे मैंने इसको यूज करके एलग्रो पर 100,000 सब्सक्राइबर्स किए। लेकिन भाई इसका मतलब क्या है? यही तो वीडियो का टॉपिक है, हाउ टू ग्रो योर YouTube चैनल बाय नॉट ग्रोइंग। एंड उसके बाद अर्निंग तो शुरू हो ही जाएगी, लाख करोड़। तो बात शुरू होती है 2019 की शुरुआत से। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैंने अपना फर्स्ट चैनल 2018 के दिसंबर एंड में शुरू किया था, और एक नए यूट्यूबर की तरह मुझे भी कुछ नहीं पता था यार। हाँ, इतना पता था यूट्यूब करना है तो करना है। तो हुआ क्या, इंडिया में काफी लोगों को लगता है कि इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, बट कई साल पहले ही एक RTI का आंसर करते हुए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बताया था कि फिलहाल इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है। अब मुझे लगा यार ये तो बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो तो पक्का वायरल जाएगी, एंड मैंने वीडियो बनाकर डाल दी। बट सच तो ये था कि उस वीडियो पर एक दो व्यूज भी नहीं आए। फास्ट फॉरवर्ड अ फ्यू डेज एंड इसके बाद मैंने एक और चैनल को देखा, जिसका नाम तो मैं नहीं लूंगा, बट इतना समझ लो कि उस चैनल पर न्यूज आती थी, और वैसे तो अभी भी आती ही है, बट ज्यादातर उल्टी सीधी न्यूज होने के बाद भी वो चैनल उस टाइम इंडिया के टॉप 10 सब्सक्राइब्ड चैनल्स में से एक था। तो मैंने सोचा जब ये उल्टी सीधी न्यूज डालकर इतने व्यूज ले सकता है तो मेरी सही न्यूज पर तो और ज्यादा व्यूज आने चाहिए ना। एंड ऐसे में मैंने अपने चैनल पर न्यूज डालनी शुरू कर दी, एंड फाइनली माय वीडियो वेंट वायरल। यही सोचा ना तुमने? वायरल छोड़ो, शुरू की वीडियोस में मेरे 50 व्यूज भी नहीं आते थे भाई, बट हाँ बीच में एक आध वीडियो 200-300 व्यूज पर चली जाती थी, एंड इससे मैंने SEO के बारे में काफी कुछ सीखा था। बट ये सब तो हुई बोरिंग बातें, मैंने ये क्यों कहा कि तुम्हें ग्रो करने के लिए ग्रो नहीं करना है? इसका आंसर छिपा है मेरे दूसरे चैनल। ये बात 2019 के फरवरी मार्च के आसपास की है। माजॉम न्यूज का तो मैंने तुम्हें बताई दिया था, उस पर कभी 500 व्यूज से आगे बढ़े ही नहीं। हाँ कुछ वीडियोस वायरल जरूर हुई थी, पर कभी रेगुलर ऑडियंस 50 से ज्यादा नहीं हुई। ऐसे में मुझे इस बार दिखा एक GK questions का चैनल, एंड यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अगर तुम अभी जाकर GK question and answers सर्च करोगे तो तुम्हें पता लगेगा ये अपने आप में एक नीश है, एंड इस पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करना, अभी का तो मुझे पता नहीं, बट 2019-20 में ऐसे चैनल पर बस उल्टे सीधे क्वेश्चंस, जैसे हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं, शादी को हिंदी में क्या कहते हैं, ये सब पूछे जाते थे, जिनका रियल लाइफ में एज सच कोई यूज नहीं है। इसके अलावा भी इनके आगे क्वेश्चंस होते ही गलत थे, फिर डबल मीनिंग क्वेश्चंस डाल देंगे। तो ओवरऑल इस नीश में एटलीस्ट 2 साल पहले तक काफी कचरा जमा हुआ था। अब ऐसे में मैंने अपने प्रोफेशनल क्वेश्चंस लिखने शुरू किए, एंड मुझे फिर से लगा वाह यार ये कंटेंट तो इनसे बढ़िया है, अब तो वीडियो वायरल होना पक्का है। बट जैसा कि तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, आई फेल्ड। जबकि मेरे ही सामने एक चैनल एक दो महीने के अंदर 0 से लाखों सब्सक्राइबर्स पर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, बट तब भी मुझे काफी जल्दी रियलाइज हो गया था कि अच्छा है कि मैं ग्रो नहीं हुआ, पर क्यों? ओके सो अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, आई कैन गारंटी 99% वाली कि वो तुम्हें यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। ये तुम्हें बस एक्सपीरियंस से ही समझ आता है। इस ग्राफ को ध्यान से समझो। ब्लू वाली लाइन है तुम्हारी यूट्यूब के बारे में नॉलेज, कब कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, ऑडियंस को कैसे हैंडल करना है, तुम्हारे कंटेंट का लेवल क्या है, एंड यही सब। वहीं रेड लाइन तुम्हारी यूट्यूब ग्रोथ दिखा रही है। अब आइडियल केस में तो जैसे जैसे तुम्हारी यूट्यूब के बारे में नॉलेज और उस पर एक्सपीरियंस बढ़ता है, तुम्हें ग्रो भी उसी स्पीड या उसी हिसाब से होना चाहिए, पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में तुम्हारी यूट्यूब की नॉलेज तो बढ़ते जाती है, तुम हर नई वीडियो के साथ कुछ सीखकर अगली वीडियो बेटर बनाते जाते हो, पर एक काफी लंबे टाइम तक तुम्हारी ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो रहती है। ऐसा इसलिए बिकॉज हाँ तुम हर वीडियो अपनी पिछली वाली वीडियो से बेटर तो कर रहे हो, बट अभी भी उनका लेवल तुम्हारे कॉम्पिटिशन के हिसाब से उतना सही नहीं है। बट ये लाइन बढ़ते हुए एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम्हारी वीडियो डिसेंट क्वालिटी को पार कर जाएंगी, एंड यही वो पॉइंट है जब तुम्हारी यूट्यूब ग्रोथ शुरू हो जाएगी। एंड इसके बाद जितनी नॉलेज बढ़ेगी ग्रोथ उतनी नहीं होगी, बल्कि ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। एंड एग्जैक्टली यही रीजन है मैं हमेशा कहता हूँ, कंटेंट और नॉलेज के पीछे भागो, ग्रोथ तो वैसे भी इनके पीछे भागकर आ ही जाएगी। ऑल्दो इस पॉइंट तक तुम्हें पेशेंस रखना होगा, पर हमारा सवाल तो अभी भी वही का वही है, ग्रो करने के लिए ग्रो क्यों ना करें? तो वैसे तो बिना नॉलेज और सही कंटेंट के ग्रो करना इज नॉट प्रैक्टिकल, पर मान लेते हैं तुम्हें शुरू में ही कोई शाउट आउट मिल गया हो, या तुम्हारी वीडियो सही टाइमिंग की वजह से वायरल हो गई हो, या कुछ और। सिंस तुम्हारी ग्रोथ एकदम से हुई तो ये ग्रोथ वाली लाइन भी एकदम से ऊपर जाएगी। अब ये रेड लाइन तो ग्रोथ की वजह से ऊपर भाग जाएगी, बट ब्लू लाइन नीचे ही रह जाएगी। बिकॉज एक बार को तुम कुछ भी करके 2 दिन में ग्रो तो हो सकते हो, बट 2 दिन में यूट्यूब की नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस लेना और एक अच्छी वीडियो बनाना सीख पाना इज इम्पॉसिबल। एंड हेंस असली प्रॉब्लम शुरू होगी इस गैप की वजह से। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तो ऊपर जा चुके हैं, लेकिन तुमने अब तक उस लेवल की वीडियोस बनाना सीखा ही नहीं है, तुम्हें अब तक उतना एक्सपीरियंस नहीं है।
एंड ऐसे में या तो तुम इस गैप को जल्द से जल्द खत्म कर दो, वरना ये गैप तुम्हारे फेलियर का रीजन बनेगा। ब्लू लाइन के नीचे होने की वजह से तुम इस ग्रोथ को सस्टेन कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारे पास काफी बड़ी ऑडियंस होगी पर तुम्हारा कंटेंट उस लेवल का नहीं होगा। ऐसे में धीरे धीरे तुम्हारा चैनल डाउन जाते जाएगा एंड इवेंचुअली डेड हो जाएगा। जिस जीके क्वेश्चन वाले चैनल के बारे में मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, उसकी ग्रोथ भी एकदम से हुई थी, बट जल्दी ग्रोथ होने के चक्कर में उसे यूट्यूब के बारे में सीखने का उतना टाइम मिल ही नहीं पाया एंड हेंस ये गैप बहुत बड़ा हो गया था। अब मैं तुम्हें उस चैनल का नाम तो नहीं बताऊंगा, बट भाई वो वीडियो डालने छोड़ चुका है। एंड वही लेट्स आंसर फेल हुआ, बट मैंने उससे एक्सपीरियंस लिया। मैंने नया चैनल बनाया, वो भी फेल हुआ, बट अगेन मैं एक्सपीरियंस लेते गया। एंड फिर जब मैंने क्रिटिक्स शुरू किया, मेरे पास इतनी नॉलेज तो थी कि मैं एक डिसेंट सी वीडियो बना पाऊं, हेंस वो ग्रो हुआ। बट ये एंड नहीं था, क्रिटिक पर भी मैं और ज्यादा सीखते गया एंड ग्रो होते गया। फाइनली इस सारी नॉलेज को लेकर मैंने एल्ग्रो शुरू किया एंड इसलिए वो इतनी जल्दी ग्रो हो पाया। बिकॉज एल्ग्रो के केस में ब्लू लाइन पहले से ऊपर थी, इसलिए अगर मैं तुम्हें कुछ एल्ग्रो पर बताता हूँ, उसके पीछे रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं और एक्सपीरियंस है। एंड एग्जैक्टली यही रीजन है मैंने कहा ग्रो करना है तो एकदम से ग्रो मत करो, बिकॉज ऐसे में तुम्हें ग्रोथ की फेक होप मिलेगी जो एक दिन टूटने ही वाली है। बट एल्ग्रो एकदम से तो कोई भी ग्रो हो सकता है ना। अगर मैं एकदम से ग्रो हो जाऊँ तो क्या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बनूंगा? यार कुछ तो सॉल्यूशन होगा ना इसका, बताता हूँ। बट उससे पहले अगर तुम्हें फॉरेन क्रिएटर्स जैसे कि पैटी गैलोवे के ग्रोथ सीक्रेट्स जानने हैं और तुम्हें इंग्लिश भी समझ आती है, देन यू कैन चेक आउट माय सेकंड चैनल द कंट्राइवर। प्रॉब्लम बड़ी ही सिंपल है, क्योंकि तुम एकदम से ग्रो हो जाते हो, तुम्हें यूट्यूब के बारे में सीखने का टाइम नहीं मिलता और नंबर्स और नॉलेज के मिसमैच के कारण यू फेल। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, जो बात मैंने तुम्हें पार्ट 3 में बताई उसे समझो एंड फेक होप के सहारे मत जियो। ट्रस्ट मी, कंटेंट उस लेवल का नहीं है तो ऑडियंस तो कम होगी ही। इस बात को एक्सेप्ट करो एंड ब्लू लाइन को ऊपर ले जाते रहो ताकि ये गैप जल्दी से जल्दी खत्म हो एंड इसके बाद तुम्हारी रियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बट तब भी अगर तुम्हारा चैनल डेड हो जाता है या ऑलरेडी हो चुका है तो इसके बारे में मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, लेफ्ट साइड में क्लिक करो और उसे देख लो और वीडियो लाइक करके कमेंट करो फ्यूचर में तुम्हें कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए।